और अनुजा ऊपर से गिरने के बाद कैसा लगा? चलो अपने को ये गाड़ी तो मिल गई चलाने को। इसने बोला लाइक करो कर देना। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? वो अच्छे होंगे, अपन भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी बज रही है कुछ 6:30 शाम की और आज डेट क्या है? 19 फरवरी। और हम लोग निकल रहे हैं। अब हम लोग, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक एक करके सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इनमें से कुछ लोगों को आप जानते हो, कुछ नए हैं। हम लोग निकल रहे हैं, अभी तक डगमग चल रहा है, कुछ कन्फर्म नहीं है। एक कन्फर्म जगह है, कहाँ चल रहे हैं अपन, मैं भूल गया, रणथंभौर। और यहाँ से कुछ है 190 किलोमीटर्स तो अपने को जाना नहीं है ना। होटल कितना दूर है? 190 किलोमीटर्स, यानी बहुत टाइम लगने वाला है। और ऑलमोस्ट 7 बज चुकी है और हमको 11 बज जाएगी पहुँचते। तो देखते हैं क्या होता है। और हम तो सब आ चुके हैं। आयुष भैया, नाम? भानु प्रताप सिंह। राहुल भैया, अभिषेक भैया और बाकी दो जने और भी आ रहे हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं। फिर निकलते हैं और देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। तो ऑन द गो मिलते हैं आपसे। चलो, इज अ स्लाइट चेंज ऑफ प्लान। हम लोग रणथंभौर की जगह पुष्कर निकल रहे हैं क्योंकि अभी 7 बज चुके हैं ऑलरेडी। और अगर अब रणथंभौर निकलेंगे तो लगभग रात के 12 बज जाएंगे हमको पहुँचते। और इतना लेट हम रिस्क लेना नहीं चाहते। और पुष्कर यहाँ से कुछ 100 या 120 किलोमीटर ही है, तो बस हम लोग यहाँ से पुष्कर निकल रहे हैं। तो अभी बज रही है 9 और अभी हम लोग किशनगढ़, और यहाँ से पुष्कर है 50 किलोमीटर। तो बस अभी चाय पी रहे हैं, ऐसी इच्छा हो गई कि सर्दी बहुत लग रही थी ना, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी लग रही। इसको जानते हो आयुष को? अक्षय से भी मिल चुके हो? ये आड़ा पर राहुल भैया और अभिषेक भैया बस अभी बाहर घूम रहे हैं। तो अब एक काम करेंगे, खाना जो है वो सीधा वहीं पहुँच के खाएँगे। और बस मुश्किल से 1 घंटा और लगेगा, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो एक काम करते हैं, वहीं पहुंचते हैं और फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग हैं पुष्कर रंग महल में, और मतलब क्या शानदार मॉर्निंग व्यू है। मतलब सनराइज़ तो अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि सनराइज़ होगा उन पहाड़ों के पीछे से कहीं से। और जिस प्लेस पर हम रुके वो भी बहुत शानदार है, पूल है और कॉरिडोर भी अच्छा है। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ हेरिटेज होटल, और रूम भी मतलब अच्छा ही है, बालकनी है। उठ भैया आलसी। और अनुजा ऊपर से गिरने के बाद कैसा लगा? गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग राहुल। अरे सुनो सही, कितने 3 9:30 बज रही है और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बाइक वार्म हो रही है पीछे। और भानु भैया, अभिषेक भैया, आपसे राहुल भैया, हाड़ा सर गया थोड़ा जल्दी में, तो वो आगे निकल गए कि उनको पुष्कर की गलियाँ देखनी थी। बस राहुल भैया कैसे हो? डन। होटल रूम से ज़्यादा खाने का बिल हुआ है कभी? हाँ ऑफकोर्स, अभी अभी देखे आए। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं और पुष्कर की गलियाँ दिखाते हैं आपको। चलो अभी हम लोग यहाँ पुष्कर की गलियों में घूम रहे हैं और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करें ना, तो सोचे चलो क्यों ना आज देसी रजवाड़ी खाया जाए और कड़ी कचौड़ी खाएंगे और उसके बाद पूड़ी सब्जी भी खाएंगे। और राहुल भैया पिछले 2 ब्लॉग से नाराज, राहुल भैया पिछले 2 ब्लॉग से नाराज थे क्योंकि इनको मैं लेके नहीं गया था। आपका हाथ आगे। और अभिषेक भैया, भानु भैया, तो मालूम ही है राहुल भैया को गाय से, कुत्तों से, हर जानवर से कितना डर लगता है।
राहुल भैया गलत बात है, गलत 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 अरे राहुल भैया उसका डर उस पर भारी है सर। हाँ वो अगर डर ना हो ना। अच्छा राहुल भैया यार एक बार नहीं यार। तो बस अभी हम लोग यहाँ नीचे पहुँच चुके हैं घाट पे, और अभिषेक भैया और अक्षय, मतलब अभिषेक भैया तो है ही लेकिन जिनको नहाने का शौक है ऐसे घाट पे समुद्र में गंगा नदी में, अभिषेक भैया को नहाने का शौक इसलिए है क्योंकि ये पाप बहुत करते हैं और हमेशा धोते हैं ऐसे घाट पे। क्यों अभिषेक भैया? मैं बहुत कुछ बीच में छोड़ के जा रहे हो, गलत बात है। तो बस अभी हम लोग यहाँ घाट पे से निकल रहे हैं और जो छोटी मोटी सिटी है वो अंदर रह जाती है, और अब ये जो है ये थोड़ा मेन रोड पुष्कर के हिसाब से ये मेन रोड कहलाएगा क्योंकि पुष्कर की जो सिटी है वो पूरी जो पत्थर होते हैं पत्थर उसके रोड बने हुए सारे। अगर कभी आप यहाँ आओगे तो एक्सपीरियंस ज़रूर करना। तो और पुष्कर जो है अक्षय ने पूरा घुमा हुआ है तो वही घुमा रहा है हमें, अब कहाँ चलना है वो कन्फर्म करके और आगे मिलते हैं आपसे दोबारा। चलो तो अब यहाँ लगेगी वाट क्योंकि ये जो रेत है इसमें टायर होते हैं स्लिप। अरे बाप रे बाप, ड्यून्स पे चढ़ाने का ये तरीका है। चलो अपने को ये गाड़ी तो मिल गई चलाने को। भैया बढ़िया स्क्रैम्बलर के मजे ले रहे। पटक दी इन्होंने हिमालयन। अरे वाट लगा दी गाड़ी की मेरी। अरे इसको गिरा दिया, वो लड्डे वाला अड़ा के ले गया। बाइक अच्छी है वो। एलएन की तेरे पास है ना? हाँ अंदर पड़ी है, निकाल। तेरा क्या हो गया था? हैं घूमी नहीं मेरे से। लेकिन इसमें मजा आया। पुष्कर पहली बार आया हूँ लेकिन कसम से आने लायक जगह, मतलब फैमिली के साथ आना चाहिए, बहुत मजा आता है। अभिषेक जा रहा है, सॉरी अक्षय स्क्रैम्बलर पे, क्योंकि हम में से एक जो खिलाड़ी आदमी है वो यही है, और मैंने इसको अपना हेलमेट पहना दिया। मैंने सोचा चलो एक काम कर, तू जा और अपना एक्सपीरियंस बता क्योंकि मैं तो कर नहीं सकता लेकिन एटलीस्ट वो उसके पीछे देख के। बच्चा देख रहा हूँ किससे बात कर रहा हूँ, पहले तो बोल दे सबको। यार मैं बोला था मैं जब कैमरा चालू रखूँ तो ध्यान रखना, अब मैं डालूंगा ये देख लो असली लिखा। माल मिलते हैं अच्छे अच्छे। हाँ कौन से माल की बात कर रहे हो बता। पीने वाले भी हैं और यार इतना ही अश्लील कर दिया है। इसने बोला लाइक करो और फॉलो कर देना।
तो बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं जो ड्यून्स वाला इलाका है, और शायद अब अजमेर जाएंगे ऑन द गो। बताया था भानु भैया को कुछ काम है, क्योंकि अब मेरे गोप्रो की बैटरी भी डाउन हो चुकी है पूरी तरह से। आंधी चल रही है, आंधी 5:30 बज रही है और हम लोग जयपुर से कुछ 40 किलोमीटर दूर है, और सुबह से हम लोगों ने आज खाना नहीं खाया। मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत चाय नाश्ता ब्रेक कुछ ना कुछ नाश्ता कर रहे हैं बीच बीच में रुक के। लेकिन देखो आर्मी वालों का ये ट्रक कितना बढ़िया लग रहा है, फुल ट्रेन ही लग रहा है ये तो। लेफ्ट हैंड ड्राइव और है, वाह, साफ लिखा है नो हैंड नो सिग्नल। भानु भैया की इतनी बुरी दुख गई कि वो खड़े हो गए ट्रैफिक में, और हम लोग जयपुर पहुंच चुके हैं फाइनली बिना किसी ब्रेक के। हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया।